नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सैमसंग के फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 4E एरर आने का फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे, जिसके बाद आज के बाद अगर सैमसंग वॉशिंग मशीन में 4E एरर आ रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको फ्री में आगे इसी तरह की वीडियो देखने को मिलेगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। सैमसंग फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 4E एरर का पार्ट वन मैंने बना रखा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को देखा नहीं है तो मैं आई बटन में उसकी लिंक डाल देता हूँ और आप जाकर वहाँ क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ये सैमसंग का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो 4E एरर का आ रहा है। इससे पहले भी हम लोग ने 4E एरर पर बहुत सारे चीज़ों को चेक किया था और उसके सॉल्यूशन निकाले थे जो पार्ट वन वीडियोस में हैं, और सेकंड पार्ट में अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये प्रेशर स्विच है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ड्रम के साथ में। ये प्रेशर स्विच की पाइप जो है ये जाम हो जाता है अंडर सर्फ का जो कचरा होता है उसके चक्कर में, ये जाम हो जाता है जिसके कारण इसमें एयर प्रेशर नहीं जाता इस स्विच को, जिससे वो 4E एरर आ जाता है। तो हम लोग आज क्या करेंगे, इसके लिए हमें दो तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हमें चाहिए एक इंजेक्शन देने वाला सिरिंज चाहिए, और ये एक टॉयलेट क्लीनर है जिसे आप नॉर्मल भाषा में एसिड बोलते हैं, और इसे इस इंजेक्शन के थ्रू हम लोग इस पाइप में इंजेक्ट करेंगे जिससे इसमें जो भी कचरा है वो पूरी तरह से निकल जाए, साफ़ हो जाए और हमारा 4E एरर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। इस टॉयलेट क्लीनर को हम लोग उस पाइप में तब तक डालेंगे जब तक वो फुल ना हो जाए। जैसे ही वो फुल हो जाएगा तो हम लोग इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे वो इसमें जो भी कचरा है वो निकल कर साफ़ हो जाए। फिर वापस पाइप को हम लोग जिस तरह से लगा हुआ था उसी तरह से वापस लगा देंगे, और फिर एक बार नॉर्मल जो ड्रम क्लीनर ऑप्शन होता है वॉशिंग मशीन में उसे ऑन करके एक बार हम लोग सादे पानी से ड्रम को क्लियर कर देंगे, उसके बाद आपका मशीन ओके हो जाएगा। देखिए मशीन प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है, अभी ये इसमें प्रॉब्लम सारे ख़त्म हो गए और कोई भी एरर नहीं आ रहा है, ये प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है। इसमें जो 4E एरर का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, ये एक तरह से माने तो फाइनल कंक्लूजन है। अब आगे 4E आने का कोई भी रीजन नहीं बचता है, जो भी रीजन था हम लोगों ने इसे सॉर्ट आउट कर लिया है, और ये आगे आपको कभी भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।